द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर में ये लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज के इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ये क्या होते हैं आप देखेंगे, और इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर प्रूफ करूंगा। इसमें टोटल 4 टाइप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें ऑल 4 टाइप्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, बट प्रॉपर्टी 1 को सबसे पहले इस वीडियो में प्रूफ करूंगा, और आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में प्रॉपर्टी 2, 3 एंड 4 इन सभी को हम बारी बारी से प्रूफ करेंगे। वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स में मैंने कंटेंट को अरेंज किया है, और आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में भी आप उसी तरह से कंटेंट वाइज वीडियोज देखते रहेंगे, ताकि आपको सर्च करने में भी आसानी हो और मुझे भी सिंगल सिंगल टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी 1 है, इफ ए एंड जी आर द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज रिस्पेक्टिवली देन ए ग्रेटर देन जी। किसी भी सीरीज का, चाहे वो कोई भी ऑब्जर्वेशंस हो, उसका एक सीरीज हो या फिर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, उसका आप अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करिए और ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट करिए। तो दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आप क्या देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है। ये प्रॉपर्टी 1 होगा। यहाँ पर सिर्फ अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जी यही दिखाया गया है, क्योंकि अभी तक हमने इस वीडियो में हार्मोनिक मीन तक नहीं पहुंचे हैं। जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में हार्मोनिक मीन पर पहुंचेंगे तो वहां भी एक प्रॉपर्टी आएगा, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जी एंड जी इज ग्रेटर देन एच। तो कुछ इस टाइप का इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। तो इस इनइक्वालिटी को हम हार्मोनिक मीन जब पढ़ेंगे उस समय सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये प्रॉपर्टी 1 में होता है, ए इज ग्रेटर देन जी ऑलवेज। प्रॉपर्टी 2 है, इफ g1 g2 gk आर द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ k डिस्ट्रीब्यूशंस विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज n1 n2 nk देन द ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन विथ टोटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू समेशन ni इज गिवन बिलो। ये कुछ n log g हो जाता है इज इक्वल टू n1 log g1 प्लस n2 log g2 प्लस nk log gk। और इन दिस केस वी कैन सी दैट log g इज इक्वल टू 1/n समेशन i गोइंग 1 टू k ni log gi। इसको फर्दर मैथमेटिकल फंक्शन इसमें अप्लाई करेंगे, आपको ये मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ g1 एंड g2 आर द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ टू सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड g बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशंस देन g इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स g इज इक्वल टू g1 डिवाइडेड बाय g2। ये प्रॉपर्टी 3 होता है कि अगर g1 और g2 किन्हीं दो ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन है और इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन अगर g हो, तो इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, g इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू सीरीज g1 बाई g2। एंड प्रॉपर्टी 4 है, द ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ k सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस विथ ज्योमेट्रिक मीन्स g1 g2 gk रिस्पेक्टिवली इज द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द कंपोनेंट सीरीज दिस। अगर आपके पास कोई k सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और उन ऑब्जर्वेशंस का अलग अलग ज्योमेट्रिक मीन g1 g2 अप टू gk है, तो टोटल जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसका टोटल ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनके अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये 4 टाइप्स के प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज में से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको मैं इस लेक्चर में सॉल्व करूंगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और आने वाले वीडियोज में आप प्रॉपर्टी 2, 3 एंड 4 बारी बारी से देखेंगे। नाउ प्रॉपर्टी 1 फिर से देख लेते हैं। इसमें हमें सॉल्व करना है कि फॉर एनी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो वैल्यूज लेंगे, जो कि वेरिएबल एक्स का होगा। लेट x1 एंड x2 बी द टू वैल्यूज ऑफ ए वेरिएट एक्स, देन इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 एंड x2, इट मींस अंडर रूट x1 इनटू x2। तो अगर सिंपली हमें a ग्रेटर देन जी ये ही प्रूफ करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि a माइनस जी अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि a इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी, ये होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ पर ये कंसिडर कर लेंगे कि a माइनस जी
a माइनस जी हम फाइंड आउट करेंगे वेयर a इज इक्वल टू दिस एंड माइनस जी। सिंपल अल्जेब्राइक फंक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई टू कॉमन लेंगे x1 प्लस x2 माइनस ये 2 यहां आ जाएगा और x1 इंटू x2 इसको अलग अलग रूट में कर लीजिए ये मिल जाएगा। और सिंपली आप यहां पर देखेंगे तो ये अंडर रूट x1 माइनस अंडर रूट x2 इसके होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो इसको आप सिंपली ये लिख सकते हैं दिस वन एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज द क्वांटिटी विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड इट शोज ए ग्रेटर देन जी। तो सिंपल सा ये एक प्रूफ है जिसमें आपने ए ग्रेटर देन जी ये देखा और ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइप च्वाइस में देकर के पूछा जाता है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इनिशियल कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप याद रख सकते हैं और अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट बना करके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने फोर टाइप्स के प्रॉपर्टीज जो ज्योमेट्रिक मीन के होते हैं वो देखा और मैंने उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ किया, ये आपने देखा। तो इसी तरह के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं चीजों को बिल्कुल इजी तरीके से और सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं और इसीलिए मैं पहले पूरे कंटेंट को प्रिपेयर करके लाता हूं और उसको फिर एक्सप्लेन करता हूं, ताकि रियल टाइम में जो भी चीजें हो वो आप समझते जाएं और कॉपी पर नोट करते जाएं। ये सभी मटेरियल्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। पे आउट के रूप में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि ये स्टैंडर्ड लेवल के मटेरियल्स जो मैं प्रिपेयर करता हूँ ये ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाए जो पढ़ना तो चाहते हैं बट फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो इकोनॉमिक बर्डन बियर नहीं कर सकते। इसके आगे के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में, मैं प्रॉपर्टी 2 को फिर से डिस्कस करूंगा और उसको प्रूफ भी करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।